हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवर। जैसे कि दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ और आप सबको बताने जा रहा हूँ, जो पीसी ज्वेलर्स ने बायबैक ऑफ़र अपना जो वापस लिया है, तो उसी पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, तो दोस्तों पीसी ज्वेलर जिन्होंने कहा था कि वो 424 करोड़ रुपए का बायबैक ऑफ़र लाने वाले हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से सवाल थे लोगों के मन में, और जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, दो वीडियो। तो दोस्तों मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा अबाउट पीसी ज्वेलर, क्योंकि आई थिंक दिस विल बी माय लास्ट वीडियो अबाउट पीसी ज्वेलर, क्योंकि इस स्टॉक में अब कुछ भी नहीं रहा। मतलब इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम टू स्टडी दिस स्टॉक, स्पेकुलेटिव स्टॉक हो गया है। और हाँ, ट्रेडिंग के लिए कहा जा सकता है कि गुड, एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पज़, बट इन्वेस्टर शुड अवॉइड इट। देखिए, मैंने पहले भी इसे पर्सनली अवॉइड करने के लिए ही कहा था, बट क्योंकि हो सकता है कि आपने इसमें हायर प्राइस पे पोजीशन बनाई हो, तो इट्स ओके। दोस्तों, हमेशा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ डिसीजन राइट जाते हैं, कुछ डिसीजन रॉन्ग होते हैं, पर हमेशा हमें सोचना चाहिए कि वाई इट हैपेंड। और मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी कोई कॉरपोरेट या फिर मैनेजमेंट के रिलेटेड इशू होते हैं, वो कंपनी एक वार्निंग साइन देती है। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको, मैंने जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जब स्टॉक गिर रहा था उस टाइम एक जो है रिएक्टिव रिएक्शन था, रिएक्टिव डिसीजन था मैनेजमेंट का कि चलो बायबैक के जरिए जो है वो इन्वेस्टर्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं, और हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक गिरना रुक जाए। पर दोस्तों देखिए, बहुत से बड़े फंड निकले थे यहाँ से और कंटिन्यू स्टॉक को जो है डंप किया जा रहा था, बट फिर भी लोग सोच रहे थे कि जब 300 प्राइस पे आया तब भी एक अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा था, 200 रुपये पे, 100 रुपये पे भी। पर कोई भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं था कि आखिर ये गिर क्यों रहा है इतना तेज़ी से। सबको एक अट्रैक्शन लग रहा था कि 600 का स्टॉक हमें 200, 300 या 150 रुपीज़ में मिल रहा है। बट दोस्तों, ये होता है जब भी कोई बड़ा प्राइस, आपको फ्यूचर में, सॉरी, अगर आप पास्ट में देखेंगे तो बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिन जो काफ़ी ऊंचाई पे, लाइक यूनिटेक, एक टाइम पर वो जो है इंफ्रा का लीडर था, पर आज की डेट में आप देखेंगे तो वहाँ से प्रमोटर्स निकल गए हैं दोस्तों, और सिर्फ सारा का सारा स्टॉक जो है वो एक जनरल पब्लिक, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी जो है वो प्रमोटर्स और मैनेजमेंट चलाते हैं, अगर वही इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग इनसाइड द कंपनी, देन हाउ इट विल ग्रो। सो आपको सोचना चाहिए कि अगर मैनेजमेंट में कुछ रॉन्ग है, कुछ गलत है, देन डेफिनेटली उस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, और उस स्टॉक से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। और एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है दोस्तों जो कि एक क्विक डिसीजन लेता है और एक फास्ट डिसीजन लेकर उस प्लान को जो है एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई, हो सकता है कि पीसी ज्वेलर्स के लिए दो या तीन गलत न्यूज़ आई, पर हाउ दे रिएक्ट, मतलब मैनेजमेंट ने कुछ भी ऐसा स्ट्रांगली एक्शन नहीं लिया जिससे कि इन्वेस्टर्स को जो है एक कॉन्फिडेंस आ सके। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि अगर TCS का जो साइरस मिस्त्री का केस हुआ था, या इन्फोसिस में भी जो, जब सिक्का जी जो CEO थे उनके, वो जब इन्होंने एग्ज़िट ले रहे थे उस टाइम भी काफ़ी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, और कहा जा रहा था कि ये इशू बोर्ड रूम के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए था। पर क्योंकि ठीक है, उस वो मैनेजमेंट उतना उस लेवल पे था और इतना अच्छा स्ट्रांग था कि उन्होंने उस इशू को संभाला। और आप स्टॉक पे, प्राइस पे भी उस टाइम अगर नज़र डालेंगे तो ऐसा नहीं कि स्टॉक 50-60% गिर गया, हार्डली 20% इन अ डे वो गिरा था, 20% भी टच नहीं किया था उसने इस एक दिन के अंदर। तो ऐसा नहीं है, एक अच्छा जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी कंपनी को संभालता है और अच्छे डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर प्योरली जो डिसीजन है वो कहा जा सकता है कि एक रिएक्टिव रिएक्शन था, क्योंकि अगर एक मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है बायबैक को, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी बुक अलाउ कर रही है बायबैक या नहीं कर रही है। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा पीसी ज्वेलर बायबैक के बारे में। इसके अलावा आप सारे कंडीशन जान सकते हैं कि आज जो है काफ़ी तेज़ी से गिरा, लगभग 25% का डिप दिखाया इस स्टॉक ने, तो हमेशा से अवॉइड रहा था। और मैं एटलीस्ट नए इन्वेस्टर्स को तो नहीं कहूँगा कि इस स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट करें, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपका पर्सनल डिसीज़न होता है, आप अपनी समझदारी से इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न लें, और या फिर जो आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है
उसकी तरफ से आप उससे एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।